गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन फ्रैक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। आपने जरूर हमारे देश का फ्लैग झंडा देखा होगा। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग। क्या आप फ्लैग ड्रॉ करना जानते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल 9 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। एंड डिवाइड इट इन टू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कम्प्लीट द फ्लैग। और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कम्प्लीट करना है और आपका फ्लैग कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपी में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल से 9 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से इधर भी 9 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो यहां से इस तरह से इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। तो इस तरह से इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है, द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफ्रॉन। सबसे ऊपर वाला 1/3 पार्ट जो है, तो प्रत्येक पार्ट इसका 1/3 हो गया, क्योंकि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, तो प्रत्येक पार्ट इसका क्या कहलाएगा, 1/3। तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो सैफ्रॉन कलर होता है, केसरिया रंग होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग। ये क्वेश्चन है कि मिडल 1/3 पार्ट जो है फ्लैग का, उसमें कौन सा कलर होता है, उसका कौन सा कलर होता है। तो वहां पर कौन सा कलर होता है, व्हाइट। मिडल 1/3 जो होता है वो व्हाइट होता है। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। आप अशोक चक्र कहाँ ड्रॉ करेंगे। अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द व्हाइट पार्ट, वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाइट। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र, आप अशोक चक्र कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो इन द मिडल ऑफ द व्हाइट पार्ट, व्हाइट पार्ट के मिडल में, इन द मिडल ऑफ द व्हाइट पार्ट। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। आप ग्रीन कितना कलर करेंगे, फ्लैग के कितने पार्ट को ग्रीन कलर से कलर करेंगे। तो चूंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है और उसका प्रत्येक पार्ट 1/3 है, तो नीचे वाला पार्ट पूरा ग्रीन कलर होता है, तो वो ग्रीन कितना हो जाएगा, 1/3 पार्ट। उसके बाद इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। कहता है कि क्या व्हाइट कलर फ्लैग के 1/3 से कम है, अगर है तो क्यों। तो इसको यहाँ पर बनाते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन है, उस सबका जवाब यहाँ पर कॉपी में बना देते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग। फ्लैग का मिडल 1/3 पार्ट जो है उसका क्या कलर है, तो अभी बताए भी थे कॉपी में भी, आपको भी पता होगा कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है मिडल 1/3 में। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। अशोक चक्र आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो इन द मिडल ऑफ द व्हाइट पार्ट, इन द मिडल ऑफ द व्हाइट पार्ट।
ये हो जाएगा आंसर, इन द मिडल ऑफ द वाइट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। फ्लैग के कितने पार्ट को आप ग्रीन कलर से कलर करेंगे, तो 1/3 पार्ट। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। कहता है कि क्या व्हाइट कलर फ्लैग के 1/3 से कम है, अगर है तो क्यों। तो इसको लिखते हैं, यस, हाँ कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसके बीच में एक अशोक चक्र होता है जो डिफरेंट कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है। तो इसीलिए क्या होगा, इसका व्हाइट कलर जो है वो 1/3 से, फ्लैग के 1/3 से कम होगा, क्योंकि ये ब्लू कलर में होता है। तो इसीलिए यस, व्हाइट कलर इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। क्यों कम है, तो वो भी लिखेंगे, बिकॉज देयर इज एन अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द व्हाइट पार्ट विच इज ब्लू इन कलर। हाँ, व्हाइट कलर फ्लैग के 1/3 से कम है, क्योंकि व्हाइट के मिडल पार्ट में एक अशोक चक्र है जो ब्लू कलर का होता है। यस, व्हाइट कलर इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज देयर इज एन अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द व्हाइट पार्ट विच इज ब्लू इन कलर। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन है, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। यहाँ पर एक और फ्लैग है, द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पर ये फ्लैग को देखेंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है 1/3, तो प्रत्येक पार्ट इसका 1/3 हो गया। ये 1/3 ब्लैक है, 1/3 रेड है, एग्जैक्टली 1/3 रेड नहीं है, बीच में एक व्हाइट कलर का सिंबल भी है और 1/3 ग्रीन है। तो नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। आप इस फ्लैग को देखें और इसका कितना पार्ट ब्लू ब्लैक कलर है, तो कितना हो जाएगा, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक, तो क्या हो जाएगा, 1/3। यहां पर लिख देंगे 1/3। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटेन एज, ग्रीन पार्ट को क्या लिख सकते हैं, तो ग्रीन पार्ट भी 1/3 है, पूरा ग्रीन कलर से कलर है, तो ग्रीन पार्ट को भी क्या लिख सकते हैं, 1/3 या 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 या 1/3। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। क्या रेड कलर फ्लैग के 1/3 से कम है, अगर है तो क्यों। तो हाँ कम है, यस, रेड इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज देयर इज अ व्हाइट सिंबल इन द मिडल ऑफ द रेड पार्ट। इसे यही लिख देना यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखे वही क्वेश्चन है, इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। यस, रेड इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज देयर इज अ व्हाइट सिंबल इन द मिडल ऑफ द रेड पार्ट। हाँ, रेड कलर फ्लैग के 1/3 से कम है, क्योंकि रेड पार्ट के बिल्कुल मिडल में एक व्हाइट कलर का सिंबल है, इसीलिए पूरा 1/3 रेड नहीं है, बिल्कुल उसके बीच में एक व्हाइट कलर का सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, ये म्यांमार का फ्लैग है, आवर नेबरहुड, हमारा नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है, उसका ये फ्लैग है। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, कहता है कि क्या ब्लू फ्लैग के 1/4 से अधिक है या कम है, 1/4 से अधिक है या कम है,
तो इसका इसको हम चार इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, तो देखते हैं इसका प्रत्येक पार्ट 1/4 हो गया, तो 1/4 यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन ये पूरा 1/4 कलर नहीं है, कुछ पार्ट रेड है, तो इसीलिए ब्लू कलर 1/4 पूरा नहीं है, उससे कम है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, ब्लू कलर फ्लैग के 1/4 से अधिक है या कम है, तो क्या होगा, कम है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्लू कलर इज लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग, ऐसे लिख देंगे, नो ब्लू इज लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग, 1/4 से अधिक नहीं है, तो इसीलिए लिख देंगे नो ब्लू इज लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग, 1/4 ऑफ द फ्लैग। एक और क्वेश्चन है, गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, अब इसी फ्लैग का कितना पार्ट रेड है, इज इट मोर देन हाफ और इज इट मोर देन 3/4, क्या ये हाफ से अधिक है या 3/4 से भी अधिक है, तो हाफ होता है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट हाफ हो गया, तो हाफ से तो अधिक है ही, ये 3/3 पार्ट में भी है और ये 3/4 से भी अधिक है, 3/4 हो गया यहाँ पर, ये और ये मिला के 3/4 हो गया, और इस चौथे पार्ट में भी कुछ पार्ट जो है वो रेड है, तो इसीलिए 3/4 से भी क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस रेड इज मोर देन हाफ, हाँ रेड जो है वो हाफ से अधिक है, एंड इट इज ऑल्सो मोर देन 3/4 ऑफ द फ्लैग, और ये फ्लैग के 3/4 से भी अधिक है। थैंक यू।